कुर्ला में पूर्व विधायक मिलिंद अन्ना कामले के बॉडीगार्ड पर गोलीबारी करने का मामला सामने आया है। यह घटना कुर्ला के प्रगति सोसाइटी के पास हुई है, जहां मिलिंद अन्ना कामले के बॉडीगार्ड अनिल भिसे पर उन्हीं के ड्राइवर मंगेश बागमारे ने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें अनिल भिसे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें सायन के तिलक अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश के कारण यह घटना हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तत्काल विधायक पद न रहने के बाद भी ड्राइवर के पास आखिर पिस्तौल कहां से आई। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार किसी SRA प्रोजेक्ट को लेकर यह घटना घटी है। इस मामले की जांच उच्च स्तर पर हो, ऐसी मांग पीड़ित परिवार वाले कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई है। समय नेशनल, मुंबई। नेहरू नगर पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में यहाँ 4 बजे के करीब एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है, जहाँ यहाँ लोग काम करते थे, एक मंगेश वाघमारे और दूसरा नाम है पॉल, जो इंजर्ड है। मंगेश वाघमारे ने उनके ऊपर 4 या 5 राउंड फायर किए। इनिशियली उसको राजावाड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, बाद में सायन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। उसकी कंडीशन, जख्मी की कंडीशन स्टेबल बताई है और इसके बारे में अधिक पूछताछ चालू है।